नमस्कार। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने कुछ ऐसा बोला कि पूरे पाकिस्तान को लग गई मिर्ची। और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि मोफा, जिसे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोलते हैं, उसकी स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है मुमताज सहरा बलूच, उन्हें बाहर आकर के स्टेटमेंट देना पड़ा। पहले तो मैं बताता हूँ आपके चीफ मिनिस्टर योगी जी ने बोला क्या। योगी जी ने ये बोला कि जब हम 500 साल बाद राम मंदिर वापस ले सकते हैं तो हम सिद्ध क्यों नहीं ले सकते। कुछ गलत तो नहीं बोला मैं इसको? जो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया या जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं उसके खिलाफ या फेवर में नहीं हूं। मैं ही बता रहा हूं कि ले सकते हैं, ये उन्होंने सही बोला। जब हम चाहते अगर हम 71 में तो हम पूरा बांग्लादेश ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिया। हमारे हमारे कंट्री में क्या बोलते हैं, जैसे बोलते जमीन की भूख नहीं, हम इंसाफ के लिए काम करते हैं। बंगालियों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, हमने उनको आजादी दिलवा दी। चाहते तो हम उसी समय सिंध भी ले सकते थे, करगिल टाइप पे भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ, हमारा हमारा इरादा है या नहीं है ये भी हमारे योगी जी ने नहीं बोला कि हम लेंगे कि नहीं। उन्होंने सिर्फ बोला कि हम ले सकते हैं, अगर हमने राम जन्मभूमि लिया 500 साल बाद तो हम सिंध भी ले सकते हैं। ये कि हम लेने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। बट स्टिल तो ये मुमताज ज़हरा बलूच जो है बेचारे, इनके बाप दादा ही मार खाए बैठे हैं पाकिस्तानी आर्मी से, तो ये भी इनके पीछे भी चार पाकिस्तानी आर्मी के बैठे होंगे। बलूच है ना, तो बलूचों को तो बहुत मारती है पाकिस्तानी आर्मी, तो ये भी ऐसे ही बोल रहे होंगे। क्या इन्होंने बोला कि पॉलिटिशियन के प्रोवोकेटिव जो रिमार्क्स हैं दैट आर इंस्पायर्ड बाय असर्शन ऑफ अखंड भारत एंड रिफ्लेक्ट द परवर्सिव व्यू ऑफ हिस्ट्री, वी कंडेम द हाईली इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स मेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा मैडम एक बताइए, ये परवर्सिव रिमार्क्स किसे बोले आपने? ये जो बुरहान वाली ट्रेन चली थी वो परवर्सिव नहीं थी? एक हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम ले सकते हैं, लेंगे ऐसा नहीं है, उस पर आपको रिएक्ट करना पड़ गया। डरते हो ना आप योगी और मोदी से, इसलिए रिएक्ट करते हो, हालत खराब हो जाती, कांपना शुरू हो जाते हो, इसलिए रिएक्ट करते हो। मैं बताता हूं आपको, कश्मीर में आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बोलना ये परवर्सिव नहीं था। जूनागढ़ को अपने मैप में दिखाया आपने, ये परवर्सिव नहीं था। आपने सपोर्ट किया जो यहाँ पे सरपंच जुदा वाले थे उनको, और उसके बाद पत्थरबाजी को आपने सपोर्ट किया, कश्मीर में हथियारों को आपने सपोर्ट किया, कश्मीर में आतंक को आपने सपोर्ट किया। और उसके बाद इन्होंने बोला बीजेपी आरएसएस कंबाइंड टू फर्दर द डिवाइसिव एंड पैरोकियल पॉलिटिकल एजेंडा। अरे यार, बीजेपी आरएसएस को आप ऐसा दिखाते हो जैसे पता नहीं कितने बड़े गुंडे हो, गुंडे आपने पाल रखे हैं। कुछ हमारे अंदर के लोग भी ऐसे ही हैं जो कि खाते इंडिया की और गाते पाकिस्तान की हैं, उनसे तो मैं क्या बोलूं, लेकिन आपके बारे में तो बोल सकता हूं। ये सुनिए, बीजेपी आरएसएस ने आज तक क्या किया है जिनको आप सारे दिन गाली देते हो? क्या उन्होंने आज तक किसी का सरतन से जुदा किया? आपके कंट्री में टीएलपी अंदर बैठ के करती है और इंडिया में करवाती है, ये मर्डर नहीं था? ठीक है, वो तो आपके इस्लाम है ना, और इस्लाम के लिए सब कुछ करते हो, है ना। फिर टीएलपी ने आप ही के लोगों को मरवाया, आप ही के पुलिस वालों को मरवाया, आप उसको आज तक डिक्लेयर नहीं कर पाए कि आतंकी है। आपके पुलिस 8 पुलिस वाले मारे गए टीएलपी की वजह से, नहीं डिक्लेयर कर पाए। आपके औकात क्या है? आप अपने यहाँ 3 गुंडों से डर जाते हो, आपकी आर्मी इतनी वीक है कि टीएलपी को कुछ नहीं कर पाई आज तक, उसने आपके पुलिस वाले मार दिए, आर्मी वाले मार दिए, टीटीपी से डरी बैठी आपकी गुंडे, टीटीपी को नहीं छेड़ पाई, आपकी आर्मी करेगी क्या? आपकी आर्मी ऐसी आर्मी जो कि कहते हैं कि हम जाएंगे लड़ने के लिए वहां पे इसराइल, लड़ पाए हो आज तक? लड़ पाए हो? आपके लोग बोल रहे थे इसराइल, इस पर बात करूंगा मैं कि क्या कहानी है। खैर, इसके बाद हमारे जो आरएसएस बीजेपी है, इन्होंने कभी किसी श्रीलंकन को जिंदा नहीं जलाया, आपके कंट्री में जलाया जाता है। इन्होंने कभी किसी मुस्लिम बच्ची का अपहरण नहीं किया और उसको कन्वर्ट नहीं किया इस्लाम में, आपके कंट्री में होता है ये। क्या किया? हाफिज सईद की तरह इन्होंने मुंबई पे हमला नहीं करवाया, कराची में किसी होटल में घुस करके लोगों को नहीं मारा इन्होंने, इन्होंने अजहर मसूद की तरह आतंकी ट्रेनिंग कैंप नहीं चलाए, और अपने कंट्री में आतंकी पालने वाले पालने वाली सरकार या पालने वाला कंट्री वो बीजेपी आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश करता है। आप पहले अपने कंट्री में तो झेलो, अपने कंट्री की क्या हालत है? खैर, एनीवेज, पाकिस्तान का दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ है, और इसलिए क्योंकि आजकल पैसा भी नहीं है, तो भुखमरों को जो भिखमंगे हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो बेचारों की बुरी हालत है, खाने के लिए भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे।
कहीं योगी आदित्यनाथ पे ऐसे स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, जो आप देख लेते हैं। इसके बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी अभी हाल में कुछ चमत्कार किए, पिछले 48 घंटे में बोला 8 पाकिस्तानी सैनिक हमने मारे, 48 घंटे में 8, बड़ी खबर। और उसमें यह भी बोला 2 सेपरेट इंसिडेंट्स में हमारे 2 फ्रीडम फाइटर भी मारे गए हैं और 7 इंजर्ड हुए हैं। एक तुर्बत में एक व्हीकल जा रहा था जिसमें हमने 3 एनिमी पर्सनल को मारा है, मतलब एनिमी पर्सनल वो बलूच लिबरेशन आर्मी एनिमी पर्सनल पाकिस्तानी आर्मी के लोग बोलता है। साथ में यशकोर में एक हमला भी किया आउटपोस्ट पे। इससे पहले 6 अक्टूबर को इन्होंने 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे थे, 6 आज हो गई 10, आज 8 और उस समय 5, मतलब समझ लीजिए आप 13 और कितने दिनों में। पाकिस्तानी सैनिकों की हालत ये है कि हर कोने में मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के, अपने ही कंट्री में आर्मी सेफ नहीं है, ये हालत। और ओपनली खुले में बलूच लिबरेशन आर्मी बोलती है और इनको योगी आदित्यनाथ खराब दिखते हैं, ये सिचुएशन है। खैर मैं क्या बोलूं, इनका अपना कंट्री है, ये अपने कंट्री को जैसे चलाना चाहते हैं चलाएं। हमारे पास एक चूहा और है, वो चूहा उसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, आज फिर से सामने आया, आकर के बोला सिख और टेरर वाला ना पन्नू चूहा है, अंदर घुस जाता है फिल्म में, एक दिन बाहर निकलता है फिर घुस जाता है, ऐसे पन्नू की हालत है। इसने एक वीडियो अपलोड किया और वीडियो में बोला कि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं हमास को, अरे तुम्हारी औकात पहले से पता थी, तुम वापस हमास को सपोर्ट करोगे हमास और डूबेगा, हमास को इसराइल नहीं छोड़ेगा, इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है तो आपका तो हमास को सपोर्ट करना बनता है। अच्छा इसराइल को सपोर्ट कौन करता है, अमेरिका, जिस कंट्री में तो बैठा है, पन्नू कुत्ता बना देगा वो तेरे, याद रखियो। अच्छा साथ में यही नहीं, तुमने हमास को सपोर्ट करके ना इसराइल से भी पंगा ले लिया, और इसराइल का देखा है म्यूनिक अटैक के बाद उस कंट्री में घुस के मारा उसने जहां पे उसके मारना चाहिए था, दुश्मन देश हो या अपना अपना देश हो, घुस के मारा उसने, छोड़ेगा नहीं। अब दुश्मनी पहले तो इंडिया से ली थी, अब तूने इसराइल से भी ले ली, पर किसा के सब तो बहुत हो गया, पूरा वेस्ट इसराइल को सपोर्ट कर रहा हो, तो इस वेस्ट में यानी कि यूरोप में बैठ गया और अमेरिका में बैठ कर तू हमास को सपोर्ट कर रहा है, वो ऐसा घटिया आदमी, तू जिस जहां खा रहे चल, तू इंडिया का नहीं है, यही की पला पड़ा है ना, यही की तो खाई थी तूने, तू इसके खिलाफ हो गया, तू अमेरिका के भी खिलाफ हो गया, तू अमेरिका की भी थाली में छेद कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई, तू बहुत बढ़िया आदमी। चले नहीं बेस्ट, ये भी बात सही कि एक खालिस्तानियों ने एक प्रोटेस्ट भी किया हमास के फेवर में, इनके वो देखो। अच्छा इसमें हमारे सिख भाई कितने हैं, 20 से ऊपर नहीं है, सबको पता है ये आतंकवाद है, सिख ना आर्मी बना के लड़ना जानते हैं, ये करना नहीं जानते, ये जो तुम कर रहे हो आतंकवाद सिखों ने नहीं किया है, वो पाकिस्तान के उन गुंडों ने कुछ सिखों को भड़का दिया था, वरना हमारे सिख जो है ना आर्मी में आते हैं और सीना चौड़ा करके सीने पर गोली खाते हैं, पीठ पे नहीं खाते कभी। खैर एनीवेज पन्नू की जो ये वीडियो है उसके बाद पन्नू की हालत भी खराब हो गई, एक बार तो वीडियो रिलीज कर गया, उसके बाद हालत खराब हुई कि यार ये मार देंगे, फिलिस्तीन ने मारा तो मैं क्या करूंगा, तो उसके बाद इसराइल ने मारा तो मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद उसने अपनी सिक्योरिटी मांगी अमेरिकन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दे भी दी उसको, लेकिन सिक्योरिटी बढ़वाई कि यार मैंने बोल दिया इसराइल के खिलाफ, गड़बड़ हो गई, इसराइल ने देख लिया है, छोड़ेगा नहीं, ये बात याद रखना, और छोड़ेगा नहीं मतलब वहां मारेगा ना जहां पानी ना मिले। पन्नू तू तो गया, पन्नू तेरी तो हालत वो हो गई, न कुत्ता ना घर का ना घाट का। अच्छा आगे बात करते चलो, ये भी सही। एक और खबर है कि निज्जर को मारा था चाइना ने, वो मैंने कल दी थी, उसी में अब ये आ रहा है कि इस पन्नू को भी टारगेट पे लिया हुआ है। पन्नू तू तो क्या, एक तरफ इसराइल एक तरफ चाइना, भाई तू भागे काम, तेरे को कोई नहीं जा सकता, और इंडिया तो पहले तेरे पे चला गया, तू तो क्या भाई, तू एक काम कर, अपनी तेल भी पहले करा ले, तेरे मरने के बाद तेल भी करना पाए कोई, तो पहले तेल भी करा ले और अंतिम संस्कार की लकड़ी पहले रख ले, तू तो क्या है, मुझे लग रहा है कि तेरे पीछे कोई करने वाला भी नहीं होगा, तो इसलिए बेटर ये है, देख रहा है ना कैसे फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वो हमास के लोगों को मार रहा है, ऐसा मार रहा है ना कि उनको उनकी तो बॉडी को अंतिम संस्कार भी नहीं मिल रहा भाई, सपोर्ट दे खाक जिसे बोलते हैं, तो भाई तू अपना पहले करवा लिया, बाद में देख लेंगे, पता नहीं तू कहीं मर जाए, को भरोसा ना, फिर तेल भी ना हो पाए, ठीक है, तो वो आगे की देख लेंगे। फिर उसके बाद एक और खबर है जो कि आदिल राजा ने दी है, हालांकि मेरी और आदिल राजा की तो अब बदनामी बहुत करने की कोशिश की उन्होंने पाकिस्तानियों ने, लेकिन कर नहीं पाए। सच बात यह है
कि मेरे को तो बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई रोहित भाई वी आर प्राउड ऑफ यू, अगर आप एजेंट हो रॉ के तो वी आर प्राउड ऑफ यू। आदिल राजा ने अपने ट्विटर पे लिखा कि नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन पाकिस्तान का है, वो कोशिश कर रहा है कि इसराइल को मिसाइल्स भेजी जाए। इसमें लॉजिकली तो मुझे लगता है कि इसराइल के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स है पाकिस्तान से, लेकिन इसमें इसमें दम हो सकता है खबर में। क्यों? इसलिए हो सकता है कि ये पाकिस्तान जो है ये यूक्रेन को जब हथियार बेच सकता है अमेरिकन प्रेशर में, तो ये इसराइल को भी दे सकता है। अमेरिका का प्रेशर बहुत गंदा है इसके ऊपर, पैसा नहीं है ना, तो कटोरे भिखमंगों को की कोई औकात तो रह नहीं जाती। अच्छा एक चीज और, जब पैसा नहीं है तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि पैसा कहीं से आ जाए। कहां से आए? वो वहां से लाएंगे कि पैसा आप बोलो साहब, जी साहब आप जहां बोलोगे वहां हथियार दे देंगे और हमारे पैसा दे दो। तो ये हो सकता है मिसाइल ना दे रहा हो तो गोलियां दे रहा हो, बारूद दे रहा हो, असला दे रहा हो, शेल्स दे रहा हो, बॉम्बिंग शेल्स, ये हो सकता है वो दे रहा हो, क्योंकि इनका और वेस्ट का जो जो स्टैंडर्ड है वो सेम है। तो हो सकता है दे भी रहा हो सकता है ना भी दे रहा हो, लेकिन प्लानिंग में भी हो, ये भी हो सकता है। अच्छा पाकिस्तानी आर्मी जो है ना बहुत क्वाइट है, बिल्कुल शांत है। क्यों शांत है? इसकी इसकी चुप्पी पे भी कई लोगों ने सवालिया निशान उठाए कि क्या तुम इसराइल के फेवर में जा रहे हो? जरा इसे सुनिए। ये बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े मिसाइल हैं, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ ने रिपोर्टेडली ये डील की कि ये जो हमारी जो इसराइल की तरफ जो हमारी रॉकेट फोर्सेज हैं, हमारे जो मिसाइल हैं, इनके जो माइल हैं, इनके जो मील हैं, वो स्क्रू ड्राइवर लगा के इनके मील कम कर दो, इनका ईंधन कम कर दो ताकि उधर तक ना जाए, इनकी एडजस्टमेंट कर दो, इनकी टारगेट एडजस्टमेंट कर दो, रेंज एडजस्टमेंट कर दो। ये खबर मैंने इस साल के शुरू में चलाई थी और मुझे पर्सनली पाक फौज के बहुत सीनियर अफसर ने थ्रेट किया था फोन करके कि ये खबर आइंदा नहीं चलनी चाहिए। मगर सवाल बनता है कि पाकिस्तान की फौज शायद इसलिए चुप है, किस लिए चुप है? वैसे तो इस वक्त तक पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अब ये बात है कि पाकिस्तानी आर्मी चुप क्यों है, आपको थोड़ा समझ में आया? क्योंकि पैसे की आर्मी है ना, पैसे के लिए लड़ती है। इससे पहले भी ये फिलिस्तीनियों के खिलाफ काम कर चुके हैं, जियाउल हक ने अपनी आर्मी फिलिस्तीनियों को अपनी आर्मी से फिलिस्तीनियों को मरवाया था और बहुत सारे फिलिस्तीनी मरवाए थे क्योंकि पैसा मिल रहा था। तो ये मुस्लिम उम्मा के नहीं है, ये मुसलमानों के नहीं है, ये पैसे के, और इन्होंने किया है। हो सकता है ये खबर भी सही हो, हालांकि आदिल राजा से मेरी बात नहीं हुई है एक से डेढ़ साल से, लेकिन मैं उनका ट्विटर देखता रहता हूँ, उनके ट्विटर पे थी, कोई भी जाके देख सकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन मतलब एक और खबर के साथ फिर आएंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।